पूरा भारत में अकेले ऐसे नेता है जो यह बात कहूँ राहुल भाई जे काम करें तो वोट दे दियो नहीं जमाना दियो, किसी एक भी नेता में मन न दिखा दियो। आप भी बहुत भाई गुम जो 5 गारंटी दी, फ्री बिजली की, फ्री शिक्षा की, फ्री इलाज की, जितनी भी बातें कही रोजगार की, सारी करके दिखाई पंजाब के हर जो पासे कोकड़िया वाला यार कने राहुल आया हुआ। राम राम भाई, सारे भाई ने मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़ी, हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर सारे भाइयों का स्वागत है भाई। और आप देखने लग रहे हो भाई उचाना हल्का विधानसभा का ईब जोरों शोरों से शोर चल गया है। और भाई एक महीना लगभग एक ही महीना रह गया है और भाई आयुष खटखड़ा है कि युवा नेता भाई आप बात करांगे भाई तो बातचीत करांगे भाई किस पार्टी का टिकट लेकर आ रहा है और उचाना में विकास के कार्य के करवाने में काम करेगा भाई साहब। एक बार तो राम राम भाई। राहुल राम राम। और सारे जितने भी दर्शक हैं भाई, जितने भी उचाना निवासी हैं, आप सारा ने भी भाई आयुष की तरफ था राम राम नमस्ते। अच्छा आम आदमी पार्टी की तरफ था रहे हो आम आदमी पार्टी में भाई जी? देखो उचाना एक ऐसी बात है कि नई सोच के साथ शुरुआत करी है अपन। पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ अपन प्रधान बने थे भाई, 22 साल बाद को अपना हरियाणा का लड़का पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रधान बना था 2022 में। 25,000 वोट हैं टोटल ओडा, तो यूनिवर्सिटी में प्रधान बने भाई ओडे भी सारे भाइयों का, जितने भी अपने बेल्ट के भाई थे सारे चाहे पंजाब के थे, सबका पूरा साथ था, सबका योगदान था भाई अपनी जीत में। को अपन नूनी कंधे की कल्ले। तो फिर उसके बाद अपने नेता हैं जो पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के CM सरदार भगवंत मान जी, उन्होंने बुलाया भाई, आशीर्वाद दिया। उन्होंने ओडा एक बात कही थी कि भाई जो हरियाणा के अंदर ही बाहर वाले विधानसभा चुनाव हों उसमें हमें एक जो पंजाब की तौर तरीके से युवा नौजवानों ने हम ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवानों ने टिकट देवांगे। और उसी हिसाब से उन्होंने कहा था कि उचाना कला जो विधानसभा है, जितने भी नेता आए हैं, चाहे वो दुष्यंत अपने नाम लेना तो मैं ठीक भी नहीं समझता, उनका कोई फायदा है को नहीं, जो धोखा विश्वासघात उन्होंने हमारे साथ कराया है। तो जितने भी चाहे कोई डिप्टी CM था, युवा हितैषी अपना आपने बता रहे थे, उन सारे की बात कर लिया, चाहे जो एक परिवार पिछले 40 साल से नुकवा है या हमारी सीट है, हम तो मामना को हरा ही नहीं सकता। वह बेरा पट गया पिछली बार भी हरी वाले चुनाव में भी कि कितनी उनकी चल रहा है और कितने का उनकी या पक्की सीट है। तो अब हम बात कर लें पार्टी ने अपने अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई युवा ने नौजवान ने हम उचाना की सीट पर उतारेंगे। तो आपने शुरुआत करी कैंडिडेट, बाकी जल्दी पार्टी की लिस्ट आ जाएगी भाई, उसमें भी पता चल जाएगा कि कैंडिडेट कौन है। अच्छा उचाना में किस तरह का के मोल लगा है आम आदमी पार्टी को लेकर? देखो भाई जी, पूरा देश के अंदर राहुल भाई अब हम बात कर लें, कल्ली एक पार्टी ऐसी पार्टी है और कल्ले अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो इस बात को कहने का दम रखे हैं पूरा भारत में, कल्ले में हरियाणा पंजाब या किसी और की बात नहीं कर रहा जी, ना दिल्ली की, पूरा भारत में अकेले ऐसे नेता हैं जो यह बात कहूँ राहुल भाई है कि जे काम करें तो वोट दे दियो नहीं जमाना दियो, किसी एक भी नेता में मन न दिखा दियो। आप भी बहुत भाई घूमो पूरा हल्का में, पूरा हरियाणा में सारे नेता आपने देख लिए, सबको वोट दे के भी देख ली, सबके इंटरव्यू भी आपने ले लिए होंगे भाई जी, रैलिया में भी गए होंगे, जलसा में भी, तो सारे अपन देख लिए। कल्ला नेता ऐसा है जो यह बात कहा है अपना अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की, जे काम करें तो वोट दे दियो नहीं, बिल्कुल ना दियो। जो वादे करे भाई, केजरीवाल की गारंटी मोदी की जुकर झूठी गारंटी को नहीं भाई, जो 5 गारंटी दी, फ्री बिजली की, फ्री शिक्षा की, फ्री इलाज की, जितनी भी बातें कही रोजगार की, सारी करके दिखाई पंजाब के अंदर 2 साल के अंदर भाई जी। जो काम सरकार, जब सरकार का जान का टाइम हो जाए आखिरी के 6 महीने में काम करा, मैं अपना सरकार बन दे पहले 1.5-2 साल में 45,000 पक्की नौकरी सरकारी दी है पंजाब के अंदर। अच्छा ईब के उचाना हल्का में नहीं, पूरा हरियाणा की बात करा दो, बीजेपी और कांग्रेस ने टक्कर दे पाओगी आम आदमी की? नहीं बिल्कुल दे पाओगी भाई जी, क्यों दे पाओगी? पंजाब की आप बात कर लें, जो अपना भाई थे उड़ा नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो पढ़ के निकल रहे थे, 25 से लेकर 35 साल के बीच के जितने भी युवा नौजवान भाई थे, सबको यह एक ऐसी पार्टी जो युवा ने नौजवान ने आगे करा है और फिर उनको टिकट दे हुआ है। तो जितने भी 5-5 बरके को 5 बर का मुख्यमंत्री था, को 1 बर का मुख्यमंत्री था, को 6 बर का MLA था, को 4 बर का को मंत्री था,
मैं सारे जितने भी ओड़ा पंजाब के अंदर आप बात करा तो सारे नौजवान न रहे हैं भाई, और आप बात कर लिया ओड़े भी नुए लागत था कि इस पार्टी का कुछ नहीं बनना, बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस वाले बोले इनकी तो सारी 5 सीट आऊंगी, 100 117 में तो 10 आऊंगी, वो ही काम ओड़ो भाई 117 में तो जब झाड़ू चल लिया तो सारे की सफाई कर दी भाई, 117 में तो सीटा ही बन हुआ, और वो ही काम हो रहा होगा भाई, बेरा पड़ जाएगा को घनी दूर को नहीं, 1 तारीख के वोट हैं और 4 तारीख की गिनती है, उचाणा में भी और हरियाणा में बेरा पड़ जाएगा आम आदमी पार्टी किसको टिकट देवे है, और नौजवानों ने जिनने पार्टी आगे करा है उनमें कितना दम है, क्योंकि यह पार्टी है एक आम आदमी की, नॉर्मल परिवार थे नॉर्मल को राजघराने वाले ने ये टिकट खून देंगे, नॉर्मल परिवार थे ये कोई भी भाई है को बड़ा है अपना चाचा ताऊ है, मतलब एक आम आदमी ने आम परिवार में तो ये नेता बना हुआ है, उन्हें ने टिकट दे हुए हैं, और वे असली जनता की दिक्कत समझ सके हैं, वे जीते हैं भाई, वे आगे काम कराऊँ। अच्छा, तो इस बार भी जीत हमने पूरा विश्वास है, आज जितने भाई पहुँच रहे हैं इनका साथ है, बड्डिया का आशीर्वाद है, तो जीत की अपना भाई गारंटी है और लागे भी है। अच्छा, उचाणा की बात करें तो करिए की करिए के विकास होगा अगर आम आदमी पार्टी जीत। देखो भाई जी, अब हम बात कर लें उचाणा की, उचाणा के लोगों गल है जत्ते मन लागे है अपना हल्का बनया है, विधानसभा उरा इलेक्शन होने लग गए हैं, जत्ते ठगी होंगी आई है, आज भाई हैं चाहे मैं भी आ गया उसमें, सारे भाई आ गए, आज युवा मीटिंग जो अपन रख रखी थी, सारे के सारे भाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं, कोई रोजगार की कोई उचाणा के अंदर ना को बड़ा फैक्ट्री आई, ना को बड़े कारखाने आए भाई, ना को खेल की ऐसी सुविधा हुई कि को हाई क्लास स्टेडियम बन गया हो, ठीक है जो काम थे फट गया, मैं बात कर लें नया अंडर पास बना भाई, ना समझ आई कि कौन अफसर हैं कौन ये प्लान बना हुए हैं, वो ये उरा फाटक का आगे कांध बनाए दी, किसी ने से पैदल भी जाना है वो भी अंडर पास में को लिखड़ के जाओ, डांगर पशु हैं वहीं सड़क पर फिरन लग रहे हैं उनका, या सरकार जो भगवान का नाम पे गौ माता का नाम पे वोट ले हुए ना इनने कुछ करके दिखाया ना किसी दूसरी पार्टी ने करके दिखाया, मुद्दे बहुत हैं भाई, हर गाँव में नशा बढ़न लग रहा है भाई, बेरोजगारी तो पूरा हरियाणा में चरम सीमा पर है, अपराध की बात कर लें आप मतलब कोई भी बात है ना उरे बड़े कारखाने, तो सबसे पहली हमारी मेन रहूगी कि रोजगार के के नाम है अवसर कैसे बनाए जाऊँ, उरे खेल जितने खिलाड़ी भाई हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ करी जावे, क्या क्या उनके लिए इक्विपमेंट लाए जावे, स्टेडियम बनाए जावे हाई क्लास, बढ़िया सड़कें हों, खेत किसान भाई जितने भी हैं अपने बड़े हैं जितने भी किसान संगठन हैं उनकी भी बात सुनी भी जावे, उनको हल भी कराया जावे, क्योंकि एक ग्रामीण इलाका है ग्रामीण हल्का है, तो सारे सबसे पहला धर्म आज भी अपना किसानी है, तो उसको भी बचाने के लिए हर तरीके के जो भी काम होंगे जो भी जनता की डिमांड होगी वो सारे काम कराने की कोशिश करेंगे भाई जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद राहुल भाई, सारे दर्शकों का भी धन्यवाद, आप पहुंचे भाई टाइम निकाल कर, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।